और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल के हमले में अब तक गाजा में 2,329 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9,714 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इन सब के बाद भी लगातार ताबड़तोड़ अब हमले करता हुआ इसराइल दिखाई दे रहा है। अब तक मौत का कुल आंकड़ा अगर आपको बताएं तो 2,329 चला गया है। मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल है। गाजा पट्टी पर इसराइल के हमले लगातार जारी है, जख्मी भी बहुत ज्यादा लोग हुए हैं, 9,714 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं, बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 300 लोगों की मौत की खबर है। यह आंकड़ा यहां पर बढ़ भी सकता है, क्योंकि आपको याद होगा पहले इसराइल की तरफ से चेतावनी दी गई थी, ये बताया गया था उन लोगों को जो वहां पर रहते हैं कि उस जगह को छोड़कर चले जाएं, और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं।